हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास एट के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का पार्ट थ्री यानी कि थर्ड पार्ट हम कवर करेंगे इस चैप्टर का इससे पहले हम इस चैप्टर का दो पार्ट कवर कर चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले जाकर के उन दो पार्ट्स को देखें तब जाकर के आपको जो है पूरी अच्छी तरीके से ये पार्ट समझ में आएगा तो उसका लिंक जो है आपको दोनों पार्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप चेक कर सकते हैं चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंपनी रूल एक्सपेंड्स यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी का कंपनी से मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में कैसे एक्सपेंड हुआ कैसे बढ़ा अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग राज्यों को कैसे उन्होंने अपने कब्जे में किया उसी चीज़ को जो है हम पूरे अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो देखिए कंपनी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी है भारत में बेसिकली वो 1757 से लेकर के 1857 तक जो है वो उन लोगों ने ज़्यादातर यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी है ज़्यादातर जो है स्टेट्स को अपने कब्जे में किया है यानी कि शुरुआत कब किया था उन्होंने 1857 में यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से उन्होंने स्टार्ट किया और 1857 तक जो है उन्होंने यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह को जो है कब्जा किया अलग अलग जो स्टेट्स को अपने कंपनी के अंडर में उन्होंने लाया तो कैसे लाया उसी चीज़ को जो है हम अच्छे से जो है चैप्टर में समझेंगे तो देखिए कंपनी ने जितनी भी जो अटैक किया जितनी भी जो कह सकते हैं कि जगहों पर अटैक किया या फिर युद्ध लड़ा तो किसी भी अननोन जगह पर यानि कि जिस जगह के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते थे उस जगह पर इन लोगों ने डायरेक्ट कभी भी मिलिट्री अटैक नहीं किया तो कितना ये देखिए दिमाग पूरा दिमाग लगा करके ये लोग जो है शासन करते थे कंपनी वाले डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर के हमला बोल दिया इन्होंने सबसे पहले ये लोग प्लान करते थे वहाँ पर कि हम क्या युद्ध जीत सकते हैं या नहीं अगर युद्ध जीत सकते थे तो ये लोग युद्ध करते थे अगर देखते थे कि राजा पावरफुल है तो उसको जो है प्लान करते थे ये लोग ये क्या करते थे ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड से जो है वहाँ का युद्ध जीतने का कोशिश करते थे मतलब ये चालबाज टाइप के इंसान थे ये थोड़ा जो है इधर उधर का दिमाग लगाते थे चालबाजी करके जो है जीतते थे कई बार जो है राजाओं के कमांडर्स को उनके जो है अच्छे अहदे के आदमियों को घूस देकर के कई बार उनको अपने Uh, कह सकते हैं अपने साथ मिला लेते थे और फिर जो है युद्ध लड़ते थे इस हिसाब से जो है बहुत सारे युद्ध इन लोगों ने जीते थे फूट डलवा कर जीते धोखाधाड़ी कर कर जीते तो इस तरह से कंपनी ने अपना जो है रूल अपना कह सकते हैं एक्सपेंड किया अपना रूल एक्सपेंड किया इंडिया में तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था सेवनटीन सिक्सटी फोर में तो इसके बाद क्या हुआ था कंपनी ने अपॉइंट किया रेजिडेंट्स अपॉइंट किया इंडिया में रेजिडेंट्स क्या हैं कंपनी के एजेंट कह सकते हैं इनको कंपनी के जो है पॉलिटिकल एजेंट या फिर सोशियल एजेंट कंपनी के पॉलिटिकल या फिर कॉमर्शियल एजेंट इनको कह सकते हैं इनका काम क्या था इनका काम था कि वो कंपनी के लिए काम करे कंपनी के हित में काम करे यानी कि जो कंपनी के लिए अच्छा होगा वही चीज़ ये लोग काम करें उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें जो कंपनी के लिए अच्छा होगा लेकिन ये लोग क्या करते थे ये जो कंपनी के रेजिडेंट्स होते थे ये लोग क्या करते थे ये लोग इंटरफेयर करते थे इंडिया के जो राजा हैं उनके राजनीतिक मामलों में ये इंटरफेयर करने लगे कि जो राजा है ये लोग इंटरफेयर करने लगे ये लोग कैसे इंटरफेयर करते थे कि अब जो प्रजंड में कहीं मान लीजिए कहीं इंडिया के किसी एक राज्य का कोई राजा है तो उसके बाद वहाँ का राजा कौन बनेगा कौन कौन से मंत्री को कौन कौन से पोस्ट मिलेगा तो वो चीज़ें जो है उनमें ये लोग इंटरफेयर करते थे कि इसको ये पोस्ट मिलना चाहिए यहाँ का ये राजा मिलना चाहिए ये बनना चाहिए तो इस हिसाब से जो है ये लोग कंपनी के जो रेजिडेंट्स थे ये लोग इंटरफेयर करते थे ये लोग कई बार जो है इंडियन स्टेट्स को फोर्स किया कंपनी वालों ने कि आपको जो है सब्सिडरी अलायंस करना होगा कंपनी वालों ने क्या किया इंडिया के जो राजा हैं जो थोड़े कमज़ोर राजा होते थे उन पर ही ये लोग बेसिकली ये करते थे कि सब्सिडरी अलायंस करने को उन लोग को ये लोग फोर्स करते थे इसमें क्या होता है देखिए इसमें होता है कि इंडिया के जो रूलर्स हैं तो उनको आर्मी रखने को ये लोग अलाउ नहीं करते थे वो लोग कहते थे कि आर्मी का प्रोटेक्शन तुमको हम देंगे यानी कि कंपनी वाले जो है राजाओं को आर्मी का प्रोटेक्शन देंगे लेकिन उसके लिए राजाओं को अपने राज्य से इसके लिए करना पे करना होगा क्यों पे करना होगा क्योंकि कंपनी वाले उनको आर्मी दे रहे हैं उनको फोर्सेस दे रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उसके लिए जो है राजाओं को इंडियन राजाओं को कंपनी वाले को पे करना होगा और ये जो पे करना होता था तो ये बहुत बड़ा अमाउंट वो लोग डिमांड करते थे राजाओं से ताकि वो लोग समय पर पे ना कर पाएँ और जब इंडियन राजा ये पेमेंट को पे करने से फेल होते थे यानी कि इतने बड़े अमाउंट को वो लोग पे नहीं कर पाते थे तो क्या होता था कि राजा के किसी एक टेरिटरी को कोई बड़ा इलाका जो है उसको ये लोग कंपनी वाले अपने अधीन में ले लेते ले थे पेनल्टी के तौर पर कि तुमने पेमेंट नहीं कर पाया तुम तुमने जो है नहीं चुका पाया अपने जो सब्सिडरी फोर्सेस का जो जितना पेमेंट लगता है उसको नहीं चुका पाया तो उसकी वजह से जो है कंपनी वाले टेरिटरी ले लेते ले थे एक बहुत बड़ा जो है एरिया ले लेते थे अपने अंडर में तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था रिचार्ड विल्से ये गवर्नर जनरल थे ये कब थे 1798 से लेकर के 1805 तक ये गवर्नर जनरल थे तो इन्होंने जो है अवध यानी कि जो अवध के नवाब थे नवाब ऑफ द अवध उनको इन्होंने फोर्स किया कि तुम्हारे हाफ ऑफ द टेरिटरी जो है कंपनी वालों को देना होगा ये कब हुआ ये 1801 में हुआ इसमें क्या हुआ था कि अवध के नवाब को फोर्सफुली कहा गया कि तुम्हें अपना आधा टेरिटरी जो है कंपनी वालों को देना होगा यानी कि आधा जो इलाका है तुम्हारे राज्य का उसको कंपनी वाले को देना होगा क्यों कहा क्योंकि जो नवाब थे अवध के वो फेल हो गए ये पेमेंट करने पर ये सब्सिडरी जो फोर्सेस का ये पेमेंट इन लोगों ने एक रूल बनाया था उसको ये लोग पे नहीं कर पाए नवाब जो है पे नहीं कर पाए तो उसकी वजह से आधा राज्य जो है उसके हाथ से चला गया और गवर्नर जनरल ने कंपनी के हिस्से में उसको ले लिया और वही चीज़ जो है फिर हैदराबाद के साथ भी वही चीज़ हमें देखने को मिला हैदराबाद के कुछ नवाबों के साथ भी वही चीज़ हुआ कि वो लोग पे नहीं कर पाए तो उनका भी राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कंपनी वालों ने अपने अधीन में ले लिया तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे बड़े बड़े राज्यों को अपने जो है कंपनी के अंडर में ये लोग लेते जाते थे अब हमारा इसी टॉपिक के अंदर कुछ अलग अलग छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं देखिए पहला टॉपिक है हमारा इसका द टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे जिनको कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था देखिए टाइगर ऑफ मैसूर का कहने का कारण ये है कि टीपू सुल्तान एक बार अपने एक फ्रेंच दोस्त के साथ वो जंगल में गए थे वहाँ पर इनको एक टाइगर मिल गया था और इनके पास हथियार भी नहीं था तो फिर भी ये टाइगर से जो है टाइगर से ये लड़े थे बिना किसी हथियार के और बाद में ये जीत भी गए थे फिर ये अपने राज में आए तो इसको जो है द टाइगर ऑफ मैसूर का नाम दे दिया गया तो यही चीज़ है जो है इस नाम के बारे में यही चीज़ है तो अब देखिए कंपनी का जो क्या हुआ कंपनी ने देखा कि साउदन इंडिया में यानि कि बेसिकली जो मैसूर वाला इलाका है वहाँ पर इन्होंने देखा इनको डर लगने लगा कि यहाँ पर जो है मिलिट्री बहुत ज़्यादा मज़बूत होने लगा यहाँ पर जो है पॉलिटिकली ये लोग बहुत ज़्यादा मज़बूत है यहाँ का इकोनॉमिक बहुत अच्छा खासा इनका मैसूर का जो ये लोग राजा हैं तो देखा कि इनको डर लगने लगा कंपनी वाले को डर लगने लगा कि ये साउदर्न पार्ट का जो मैसूर वाला इलाका है यहाँ पर जो है सारा अच्छे से चल रहा पूरा राजा बहुत तगड़ा है यहाँ पावरफुल है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली और जो है मिलिट्री भी उसका बहुत अच्छा खासा है तो इनको थोड़ा सा जो है डर लगने लगा यहाँ साउथर्न वाले इलाके से अब देखिए क्या हुआ मैसूर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था लीडरशिप में किसके हैदर अली हैदर अली जिन्होंने 1761 से लेकर के 1782 तक जो है मैसूर पे अपना रूल किया था उसके बाद उनके बेटे जो बहुत फेमस नाम है जिनका नाम है टीपू सुल्तान इन्होंने रूल किया था कब 1782 से लेकर के 1799 तक जो है इन्होंने मैसूर में रूल किया था तो मैसूर इनके समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल था बहुत अच्छा खासा जो है डेवलप्ड था मैसूर जो है इस समय में क्या हुआ था देखिए मैसूर का इतना ज़्यादा डेवलप्ड होने के पीछे एक कारण ये था कि मैसूर बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहा था मैसूर में क्योंकि वहाँ पर मालाबार कोस्ट है मालाबार कोस्ट कहाँ पर है मैसूर में ही पड़ता है मैसूर के अंडर में पड़ता है तो इसमें क्या होता था कंपनी वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर और भी कंपनी से यहाँ से पीपर और करडा मोम खरीदते थे पीपर और करडा मोम खरीदते थे पीपर का मतलब काली मिर्च और करडा का मतलब इलायची तो यहाँ से जो है ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या खरीदते थे काली मिर्च और इलायची खरीदते थे लेकिन देखिए 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया ये जो एक्सपोर्ट है यानी कि यहाँ से मालाबार कोस्ट से जो ये सारे सामान बाहर ले जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जैसे कि सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी उसके बाद पीपर यानी कि काली मिर्च और करडामोम यानी कि इलायची तो ये सारी चीज़ें जो है इस पोर्ट से बाहर ले जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ट्रेड करते थे तो टीपू सुल्तान ने इस ट्रेड पर जो है रोक लगा दिया टीपू सुल्तान ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को यहाँ से कोई भी सामान नहीं मिलेगा तो इन्होंने क्या कहा टीपू सुल्तान ने ट्रेड मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ और लोकल मर्चेंट्स यहाँ पर जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी कहा कि तुम किसी भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को कोई भी सामान नहीं बेचोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले का कह सकते हैं यहाँ से ट्रेड एक तरीके से काट दिया टीपू सुल्तान ने उसके बाद टीपू सुल्तान का जो रिलेशन है वो फ्रेंच लोगों के साथ फ्रेंच कंपनी के साथ जो है थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा था टीपू सुल्तान ने जो है फ्रेंच की आर्मी ने भी टीपू सुल्तान को आर्मी की हेल्प दी और इसकी वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को यहाँ पर रोक दिया गया अब देखा ब्रिटिशर्स ने देखा यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने देखा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही एम्बिटियस एरोगेंट और डेंजर है यानी कि बहुत ये लोग घमंडी है अपने आप में जो कह सकते क्रूर है और ये लोग ख़तरनाक साबित हो रहे हैं कंपनी वालों के लिए तो इनको जो है इन पर कंट्रोल करना होगा और इनको जो है कुचल देना होगा ताकि यहाँ पर कंपनी का रूल अच्छा से चल सके तो ये ब्रिटिशर्स ने सोचा तो इसके वजह से क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर युद्ध लड़े एक नहीं दो नहीं तीन नहीं टोटल चार चार युद्ध ब्रिटिशर्स को कंपनी वाले को यहाँ पर लड़ना पड़ा मैसूर में जो पहला युद्ध है वो 1767 से लेकर के 1769 के बीच में ये पहला युद्ध लड़ा गया इसको कहा जाता है मैसूर फर्स्ट एंग्लो वार भी आप कह सकते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार भी कह सकते हैं उसके बाद सेवनटीन से सेवनटीन में दूसरा युद्ध लड़ा गया इसको सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी कह सकते हैं उसके बाद 1790 से 1792 के बीच में थर्ड जो मैसूर एंग्लो वार लड़ा गया उसके बाद 1799 में जो है लास्ट यानी कि फोर्थ जो है एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया तो ये चार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी कंपनी वाले को यहाँ पर मैसूर में लेकिन सिर्फ लास्ट वाली लड़ाई जो थी सेवेंटी में जिसका नाम था द बैटल ऑफ सिरिंगापट्टनम या फिर इसको फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी कह सकते हैं यही जो है लास्ट बैटल और इसी में सिर्फ कंपनी वाले जीते थे और इसके बाद जो है टीपू सुल्तान को मार दिया गया इस बैटल में और उसके बाद जो है ये कहाँ पर मार दिया गया इसको जो है उसके ही कैपिटल में हरा करके श्रींगापटनम में ही हरा करके टीपू सुल्तान को यहाँ पर मार दिया गया उसके बाद जो मैसूर है मैसूर को जो है वहाँ का जो पहले का डायनासिटी था जो कि वोडियार डायनेस्टी था तो उसको जो है वहाँ का किंगडम सौंप दिया गया कि अब तुम संभालो और इस डायनेस्टी को इस किंगडम को जो है सब्सिडरी अलायंस भी इस पर जो है इम्पोस्ट कर दिया गया यानी कि यहाँ पर जो है पूरा जो आर्मी रहेगा वो कंपनी वाले का आर्मी रहेगा और अगर आ, और जो यहाँ का जो राजा है यानी कि यहाँ का राजा वोडियार डायनेस्टी के राजाओं को यहाँ पर जो है रूल करने कहा गया और उनको जो है अब पे भी करना होगा यानी कि सब्सिडरी अलायंस वाला जो सिस्टम यहाँ पर लागू कर दिया गया मैसूर में तो ये तो था मैसूर के बारे में इतना ही था टीपू सुल्तान और मैसूर के बारे में कि कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रूल किया यहाँ पर कैसे कब्जा किया यहीं पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है आगे के टॉपिक्स को अगले पार्ट में कवर करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें